kusum. ठीक है अंकल। अंकल कमोद कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में। मैं उससे मिल के आता हूँ। कहाँ से? एक्चुअली अंकल वो मुझे हमारी फैक्ट्री की नई साइट पे जाना है। लेकिन बेटे अभी अभी तो आया, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं अंकल, वो आज वहाँ रात में भी काम हो रहा है, इसलिए जाना जरूरी है। ठीक है, बन जाओ। क्या हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते? नहीं, क्योंकि मैं कुमुद की तकलीफ में शामिल नहीं होना चाहता। आज बहुत खुश होगी ना तुम? आज तो तुम्हारा मकसद कामयाब होगा, जिसे पूरा करने के लिए तुमने कभी यह भी नहीं सोचा कि तुम किसका घर उजाड़ कर अपना घर बसा रहे हो। Shut up, Shitish. सच बहुत बुरा लग रहा है ना? एक बात याद रखना, तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। बात याद रखना,
तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओ। कली, कली क्या हुआ? कुछ रॉन्ग कली? कर वो क्षितिज। क्षितिज ने क्या? कली क्षितिज ने क्या? कली, he's crossed the line this time. मुझे उससे मिलना पड़ेगा। नहीं कर, तुम उसके घर नहीं जाओगे। कली, मैं जानता हूँ कहाँ है। मुझे उससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। इस बात की गवाह मैं हूं। तुम ये क्या कह रही हो? ऑफिसर, मैंने यकीन माने
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। यू डोंट वरी मैडम, जस्ट टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड। निकाले के जा रहे हैं। देखिए, पुलिस किसी को भी कभी भी कहीं भी ले जाती है। फिलहाल तो मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा पूछताछ के लिए। कैसे पूछताछ? अगर केस बना तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा इस पर। प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई डोंट थिंक सो, लेकिन रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, तब तक आप लोग हौसला रखिए। थैंक यू। सो मिस्टर क्षितिज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मिस्टर क्षितिज, क्या आप बता सकते हैं गर्व सचदेव ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किस वजह से किया? कर से कोई संबंध नहीं। बचाना सस्ता था। तो फिर वो लोग कौन थे? मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं साइट पर पहुंचा, वो लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। मैं देख के मैं कुछ समझ पाता, वो मुझे मार के वहां से भाग गए। उसके बाद वहां आया। ओके मिस्टर क्षितिज, अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, बस आप अपने इस बयान पर साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। क्षितिज को होश आ गया है, उसने आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लिहाजा आपके ऊपर से कंप्लेंट वापस ले लिए गए। अब आप जा सकते हैं। थैंक्स ऑफिसर। कर मेरी बात सुनो। I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। अमित, फिर नई बात क्या है? तुमने मुझे हमेशा गलत समझा है। You know what? मुझे इसकी आदत सी हो गई है।
तुम्हारी नजर में मैं हमेशा गलत रहा हूँ और गलत रहूंगा। मेरा हर फैसला गलत है, मेरी सोच गलत है। आज तक मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो गलत है, जो कुछ भी कहा है वो गलत है। मैं थक गया हूं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग एनी मोर। प्लीज कहो, कुछ मत कहो। शायद मैं तुम्हारी बात समझ ना सकूं, सो प्लीज डोंट से एनीथिंग। इसमें खतरे की कोई बात ही नहीं है। इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। बच्चे पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। इन शॉर्ट, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कहाँ चला गया ये? गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इतने कम समय में असली रिपोर्ट निकालकर नकली रिपोर्ट प्लान बहुत ही मुश्किल था। ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। क्यों? मैंने तुम्हें इतने पैसे इसलिए दिए कि तुम अपनी जबान बंद करो। इज दैट क्लियर टू यू? जी मैम साहब।